वेलकम बैक टू NM क्रिएटिव लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम बड़े ओ की मात्रा से बने हुए वाक्यों को पढ़ने जा रहे हैं। आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा और आपको मैं अब वाक्य पढ़ना सिखाने जा रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ मैं कि बड़े ओ की मात्रा वर्ड के जो भी अक्षर होता है उसके नीचे लगती है, जैसे इस प्रकार से। और दूसरी बात ये, इसको लंबा खींच के बोलते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। ज जू न जून का म ही ना महीना था। ये देखो, ये लाइन लगी है ना, ये पूर्ण विराम कहलाता है, इसको नहीं पढ़ा जाता। जून का महीना था। स सूरज सूरज, निकल निकल, आ या आया, सूरज निकल आया। ध धूप धूप, खिल खिल, ग ई गई, धूप खिल गई। बी र ज जू बिरजू, म दा री मदारी, आ या आया, बिरजू मदारी आया। वह वह, भा ल लू भालू, साथ साथ, ला या लाया, वह भालू साथ लाया। भा लू भालू का नाम नाम, का ल लू कालू था। बी र ज जू बिरजू, म श ह हु र मशहूर, म दा री मदारी था, बिरजू मशहूर मदारी था। बी र ज जू बिरजू, ड म र रू डमरू। यहाँ पर अब एक बात ध्यान में रखेंगे कि आपने देखा कि जो औरों की ऊ की मात्रा है सभी अक्षरों में नीचे लगती है, लेकिन रा केवल एकमात्र ऐसा अक्षर है जिसमें ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है। और छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा दोनों बीच में लगती हैं, और लिखने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो ऐसे लगती है, जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बीच में यहाँ पे पहले आपको ऐसे गोल करना होता है, फिर मात्रा लगाई जाती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, आप देख रहे हो ना, रा पे जो बड़े ऊ की मात्रा लगी है उसमें पहले एक गोली बनाई है छोटी सी। ड म र रू डमरू, ब जा ता बजाता, बिरजू डमरू बजाता। भा ल लू भालू, झ झू म, झ झू म क र झूम झूम कर। ख खू ब खूब, नाच ता नाचता, भा ल लू भालू, झ झू ला झूला, झ झू ल झूल, झ झू ल झूल कर कर, झूल झूल कर। ख खू ब खूब, क र त ब करतब, दी खाता दिखाता, भालू झूला झूल झूल कर खूब करतब दिखाता। भा लू भालू, भ भू खा भूखा था। रा जू राजू, त र ब बू ज तरबूज। व ख र ब बू जा खरबूजा, ला या लाया, राजू तरबूज व खरबूजा लाया। भा ल लू भालू, प पू रा पूरा, का पू रा पूरा,
ख र भू जा खरबूजा खा ग या गया भालू पूरा का पूरा खरबूजा खा गया नी त तू नीतू आ ल लू आलू प पू री पूरी भी ला ई लाई नीतू आलू पूरी भी लाई ख खू ब खूब मा जा मजा लूटा लूटा खूब मजा लूटा। आपको ये वाक्य पढ़ के समझ में आ गया होगा कि पहले आपको अलग अलग शब्द पढ़ने हैं फिर पूरा वाक्य भी पढ़ना है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो मैं पढ़ाने के लिए आपको और नई नई वीडियो बना के भेजूँगी ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।